हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन का सीरीज। रेडी हो जाइए आप अपना स्कोर चेक करने के लिए। 50 क्वेश्चन का सीरीज है, सेट एफ का अभ्यास 4 है। इस तरह के 16 से 17 सेट है, प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास है। 7 से 8 हजार क्वेश्चनों का सीरीज है, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम, UPTGT PGT, चाहे UPELT ग्रेड, अदर स्टेट की TGT PGT, MP TET, MP Super TET, MP TET का एग्जाम तो हो गया है। जो भी क्वालिफाई है चाहे नहीं क्वालिफाई है, सभी लोग तैयारी कीजिए। जो क्वालिफाई है अपने मेन एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, और जो भी UPTGT को फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उसका भी एग्जाम होने वाला है, जल्द ही होगा, जुलाई अगस्त के महीने में हो जाएगा। इसलिए आप प्रिपरेशन में लग जाइए, देर मत कीजिए, क्योंकि अभी भी समय है। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज की क्वेश्चंस के तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, 1896 प्रथम ओलंपिक खेल एथेंस, यूनान के एथेंस में हुआ था, और इसका उद्घाटन किया था ग्रीस यानी यूनान के किंग जॉर्ज प्रथम ने। पैनाथोनिक स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट है, किन ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया? तो दोस्तों, 1900 पेरिस फ्रांस में सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं को ओलंपिक खेलों को देखने तक का अनुमति नहीं था, और आज महिलाएं कहां तक पहुंच गई हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल कूदू में आधुनिक पेंटाथलान यानी 5 खेलों वाली एक सम्मिलित खेल आइटम में इवेंट्स खेलकूद कार्यक्रम की प्रतियोगिताएं अथवा दौड़ों में से एक क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको आधुनिक पेंटाथलान जो है, इसे 5 इवेंट होती हैं। पेंटा मतलब 5, थलान मतलब पत्तियां, इसका अर्थ होता है 5 पत्तियां। इसके अंतर्गत आपको मैंने डेकाथलान, हेप्टाथलान, पेंटाथलान, ट्राइथलान, इन चारों के बारे में कंबाइंड इवेंट में डिटेल में बताया हुआ है, ट्रिक के साथ बताया हुआ है। जैसा कि इन चारों को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है सीक्वेंस में, मैंने ऐसा ट्रिक बताया है कि आपको एकदम सीक्वेंस में क्रमवार याद हो जाएगा। तो जैसा कि पेंटाथलान में, आधुनिक पेंटाथलान में 5 इवेंट हैं, जिसका मैंने ट्रिक बनाया था, उस वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने ट्रिक बनाया है कि तलवार ने तैराकी फ्री स्टाइल की रफ्तार से घोड़ा पर चढ़ते हुए निशाना लगाकर क्रॉस कंट्री दौड़ा। तलवार ने यानी तलवारबाजी, तैराकी फ्री स्टाइल यानी तैराकी 2 हो गया, एंड घोड़ा पर चढ़ते हुए यानी कि अश्वारोहण 3 हो गया, निशाना लगाते हुए यानी कि शूटिंग 4 हो गया, एंड क्रॉस कंट्री दौड़ा यानी कि तैराकी और गांव की दौड़ यहाँ 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क आपका राइट हो जाएगा। यह महिला पुरुष दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल कूदों में प्रत्येक इवेंट में कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है? दोस्तों, तो ओनली 3 प्रविष्टियों की अनुमति होती है। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य में सामान्य नब्ज गति का विस्तार कितना होता है? तो दोस्तों, 60 से 100 अक्सर होता है, बट यहाँ पे आंसर दिया है 70 से 75। तो सामान्य नब्ज गति कितना होता है? 70 से 75 ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, रक्त का आयतन शरीर के संपूर्ण भार का कितना होता है? दोस्तों, तो 1/12 भाग होता है रक्त का आयतन, और जो मस्तिष्क का भाग होता है हमारे संपूर्ण शरीर का 1/2 भाग होता है। 1/50 भाग होता है मस्तिष्क का भार, सॉरी, एंड जो रक्त का आयतन होता है संपूर्ण शरीर का 1/12 भाग होता है। नेक्स्ट है, उपास्थि का अधात्री यानी मैट्रिक्स में विद्यमान प्रोटीन को कहते हैं? तो दोस्तों, जो उपास्थि होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है, और अस्थि जो होता है वो ऑसिन प्रोटीन से बनता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है एड्रेनालिन अंतःस्राव पैदा कर किया जाता है। तो एड्रेनालिन हार्मोन को कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है दोस्तों? तो आपको पता है एड्रेनल ग्लैंड जो दोनों किडनी के ऊपर रहती है। जैसा कि एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित एड्रेनालिन हार्मोन को, यह जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है शरीर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जैसे कि कार्यकारी अंग जो इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रभावित करती है। यह क्या करती है, यह इसे लड़ो या उड़ो यानी फ्लाइट या आरफ्ले हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अतः मानसिक तनाव की स्थिति में अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जैसे कि क्रोध आने पर, डर लगने पर, घुटन होने पर, घबराहट होने पर, भूख लगने पर, ये जो है इस हार्मोन का स्त्रावण जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण रक्तदाब भी बढ़ जाता है परंतु अंतरंगों की क्रिया भी धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से दोस्तों? यह पुरुषों के विसर द्वारा उत्पादित होता है। जैसे कि आपके एग्जाम में आया था एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, उसका सही जवाब था अंडाशय। तो इसको भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस कोई भी पूछ सकता है। उस बार ये पूछा है तो इस बार ये पूछता है, आपके सिलेबस से ही पूछता है, बाहर नहीं पूछता है। बस आप सभी टॉपिक कवर कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि कठोर अभ्यास के बाद पेशी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो कितनी देर के बाद व्यायाम करना चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 2 दिन का गैप तो आप देंगे ही, यानी कि 48 घंटे के बाद हम व्यायाम करेंगे। यदि कठोर अभ्यास के बाद पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो 48 घंटे के बाद ही अभ्यास फिर से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर जॉगिंग के द्वारा क्या होता है? पेशियां कसती हैं कि कुछ पेशियां सशक्त होती है, कि घुटने के पीछे की नस को छोड़कर सारी पेशियां सशक्त होती है, कि पेशियां दुर्बल होती हैं? तो दोस्तों जैसे जॉगिंग एक ऐसी क्रिया है कि हमारे संपूर्ण शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है, संपूर्ण शरीर की पेशियां जो सशक्त होती हैं। तो यहाँ पे क राइट हो जाएगा, मांसपेशियां कसती हैं। इसलिए आपको छोटे छोटे पॉइंट को, सूक्ष्म चीजों को पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन को पढ़ते समय, क्योंकि ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको आता है पर उस क्वेश्चन को आंसर को छाटने आना चाहिए। नेक्स्ट है, मसल्स यानी पेशी शब्द का लैटिन में क्या अर्थ है? तो पेशी शब्द का लैटिन में अर्थ है माउस यानी मुसिक। नेक्स्ट है, अग्रवर्ती और पश्चवर्ती पद किसके समानार्थक हैं? तो अग्रवर्ती मतलब आगे और पश्चवर्ती मतलब पीछे, इसको एंटीरियर पोस्टीरियर भी कहते हैं। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा क, अग्रभाग और पीछे। नेक्स्ट है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आए हुए थे दोस्तों, विभिन्न प्रकार के, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा हुआ था एमपी टेट में आपके। नेक्स्ट, अस्थियों के निर्माण में सर्वप्रथम कौन सी अस्थि कोशिकाएं बनती है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आपके एमपी टेट में, वहां भी अस्थियों के निर्माण नहीं पूछा था, अस्थियों को क्षतिग्रस्त पूछा था। ठीक है, तो अस्थियों के निर्माण में सर्वप्रथम अस्थि कोशिकाएं बनती है तो ऑस्टियोब्लास्ट। दोस्तों ये दोनों को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था और मैंने कई वीडियो में बताया भी हुआ था, आप ध्यान दिए हो या ना दिए हो आप ये नहीं कह सकते कि यहां से नहीं आया था, सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए थे। अस्थियों के निर्माण में सर्वप्रथम कौन सी अस्थि कोशिकाएं बनती हैं? तो ऑस्टियोब्लास्ट। दोस्तों अस्थियों के निर्माण और विघटन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, तो अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं और अस्थियों के विघटन की प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में अस्थियों का विघटन पूछा हुआ था, अगर निर्माण पूछेगा तो ऑस्टियोब्लास्ट होगा, अस्थियों का विघटन पूछेगा
तो आज के क्लास होगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है चेस्ट, यानी वक्ष का अस्थि पंजर किससे निर्मित होता है? तो जो वक्ष की पसलियां होती हैं, पेशियां होती हैं दोस्तों, वह उपास्थि यानी कार्टिलेज, अस्थि यानी कि बोन, दोनों से मिलकर बना होता है, दोनों से मिलकर बना होता है। ओनली उपास्थियों से बनता, उपास्थि यानी कार्टिलेज तो कोमल होता है, तब तो हमारा भीतरी अंग सुरक्षित नहीं रह पाता, इसलिए अस्थि उपास्थि दोनों से बना होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पारस्परिक तंत्रिका भरण रेसिप्रोकल नर्व की रचना है? तो दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि भी बोला जाता है। तो इसमें किसी भी दिशा और तल में गति होती है, इसको पृष्ठ संधि या सैडल ज्वाइंट या बैक ज्वाइंट भी बोलते हैं, या आपका राइट हो जाएगा ख। इसमें क्या होता है कि जो अंगूठा होता है प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है, इसलिए इसको पारस्परिक परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि या रेसिप्रोकल नर्व पारस्परिक तंत्रिका भरण की रचना के समान एक कार्य करता है। और इसमें क्या है, जैसे कि इसमें जो धुराग्र संधि है इसको पीवट ज्वाइंट भी कहते हैं, इसमें रोटेशन मूवमेंट होता है, जैसे एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है, जैसे हमारी गर्दन की गति और रेडियस अल्ना एक दूसरे के ऊपर घूर्णन करती है, प्रोनेशन सुपाइनेशन कहती है, ये दोनों आ जाएगा पीवट ज्वाइंट में। ठीक है, स्थूलक संधि इसको कॉन्डिलाइट ज्वाइंट भी कहते हैं, इसमें दो तल में गति होती है, जैसे हमारा ब्रिस्ट ज्वाइंट यानी कि ऋष्ट ज्वाइंट यानी कमरी बंध कलाई की संधि होती है। कोर संधि यानी कि इसको हिंज ज्वाइंट या कब्जा संधि भी कहते हैं, इसमें एक तल में गति होती है। और इसमें जो होता है जैसे दरवाजा एक तरफ घूमता है उसी तरह एक तल में गति होती है, जैसे हमारा नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड उंगलियों का जोड़, ठीक है, कोहनी के ज्वाइंट, घुटने का ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़, ये आता है आपका कोर संधि यानी कि कब्जा संधि हिंज ज्वाइंट में। नेक्स्ट है न्यूक्लियर ट्रेटी यानी मणिबंध संधि किसका उदाहरण है? मणिबंध यानी कलाई की संधि। तो दोस्तों मणिबंध यानी कलाई की संधि जो है वह स्थूलक संधि यानी कॉन्डिलायर ज्वाइंट, कॉन्डिलायर ज्वाइंट का इस एग्जाम्पल है, क्यों कि कॉन्डिलायर ज्वाइंट में दो तल में गति होती है। तो दो, जैसे आप कलाई को देखते हैं आगे भी ओ फ्लेक्शन हो जाएगा, पीछे भी मुड़ जाएगा, दो तल में गति, तो इसको कहते हैं कॉन्डिलायर ज्वाइंट या स्थूलक संधि। ठीक है, कॉन्डिलायर ज्वाइंट आप याद करिएगा क्योंकि वहां पे इंग्लिश वर्जन दिया रहेगा। ठीक है, एंड इसमें आपका कंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में आपका हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट आ जाएगा। नेक्स्ट, शरीर के निम्न लिखित तलों में कौन उसे ऊपरी और निचले हिस्सों में बांटता है? तो दोस्तों प्लेन और एक्सिस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, जैसा कि आपको इसके बारे में जल्दी से समझ नहीं आता है। जो प्लेन यानी कि तल होता है तीन प्रकार के होते हैं, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल प्लेन जो होता है हमारे शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटती है और उसमें गति जो है आगे पीछे होता है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। एंड जो फ्रंटल प्लेन होता है उसमें यह हमारे शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है और गति दाएं बाएं होती है, जैसे एब्डक्शन एडक्शन। सेजिटल प्लेन को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं और फ्रंटल प्लेन को क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, यह शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और सभी घूर्णनीय और चक्रीय गतियां इसमें होती हैं, सर्कमडक्शन। तो शरीर को यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न तलों में कौन शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बांटता है। कौन सा प्लेन बांटता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, यानी कि अनुप्रस्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव प्राणी के मणिबंध यानी कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों तो कलाई में जो है आठ हड्डियां होती हैं, दोनों कलाई में आठ आठ हड्डियां होती हैं, और टखने में, पैर की टखने में बात करें तो वहां पे आपका हो जाएगा सात हड्डियां, दोनों चीजें याद रखिएगा।
निम्न में कौन सीखने का एक नियम है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये तीनों दोस्तों सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। इसमें थार्नडाइक ने इस नियम को दिया है। थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम और गौण नियम दो नियम दिए हैं, जिसमें से मुख्य नियम के अंतर्गत उन्होंने तीन नियमों को बताया है। तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, एंड अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट या लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्रभाव का नियम या संतोष का नियम भी इसको कहते हैं, संतोष और संतोष का नियम भी। जैसा कि दोस्तों तैयारी का नियम पहला है तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, इसको माइंडसेट का भी नियम कहते हैं। यानी आप माइंड से तैयार रहेंगे, अंदर से तैयार रहेंगे, तभी आप किसी कार्य को सीख सकते हैं। नहीं तो आपको कितना भी सिखाया जाए कुछ भी नहीं सीख सकते। यानी मानसिक रूप से तैयार है या नहीं, रुचि सभी शिक्षाओं की प्रेरक शक्ति होती है। रुचि जो है सभी शिक्षाओं की प्रेरक शक्ति होती है। आपके अंदर से अगर आप मोटिवेट नहीं है, अंदर से आपकी रुचि नहीं है, अंदर से आपका मन नहीं है, तैयार नहीं है किसी चीज को सीखने के लिए, तो कोई आपको कभी नहीं सिखा सकता। उसी प्रकार जैसे कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड आप देखें तो जो वार्मिंग अप होता है किसी भी क्रिया को करने से पहले हम क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं उस खेल को खेलने के लिए या उस क्रिया को करने के लिए, तो उसी को कहते हैं तैयारी का नियम या माइंडसेट का नियम। तो वार्मिंग अप स्थायी हमारी पेशियों को प्रभावशाली क्रियाओं के लिए तैयार करता है। तत्परता का नियम यानी माइंडसेट का नियम, रेडीनेस का नियम को माइंडसेट का भी नियम कहते हैं, ठीक है। तो वार्मिंग अप जब भी पूछेगा कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, तो तैयारी का नियम या तत्परता के नियम के अंतर्गत। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी अभ्यास कुशल बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर किसी चीज का आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही आप सीख सकते हैं। अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। उपयोग के नियम के अनुसार, उपयोग का मतलब है कि जो भी आप जिस भी सीखे कार्य को आप उपयोग करते रहेंगे नियमित रूप से, तो बार बार दोहराने से वह अधिक प्रभावपूर्ण और स्थायी बन जाता है, हमेशा के लिए आपको याद रहता है। लेकिन आप उसका उपयोग करना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे वो विस्मित हो जाता है, भूल जाता है। एंड तीसरा है आपका मुख्य नियम का अंतर्गत प्रभाव का नियम, जिसे संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट या लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी जिस कार्य से आपको संतोष मिलता है उसमें आप ऊर्जान्वित महसूस होते हैं। जैसे कोई पुरस्कार दे दिया, आपको प्रशंसा कर दिया, ठीक है, आपका उसमें रुचि है तो आपको ऊर्जावान महसूस होता है। और असंतोष का नियम मतलब कुंठित, आप उसका मन नहीं लग रहा है, किसी ने आपको दंड दिखा दिया, भय दिखा दिया, उसमें अरुचि उत्पन्न हो रहा है, तो आप उसको नहीं सीख सकते। यही आपका सीखने के तीन नियम है। तो दोस्तों थार्नडाइक ने जो सीखने के तीन मुख्य नियम दिए हैं, इस तीनों मुख्य नियम को यदि आप अपने लाइफ में अपना लेंगे तो आपको किसी भी चीज को सीखने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इन तीनों चीजों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है मानसिक विकास के अंतर्गत शामिल है। तो दोस्तों मानसिक विकास के अंतर्गत शामिल होगा विवेचन और चिंतन, किसी चीज की विवेचना करना, विश्लेषण करना और चिंतन करना। जब आपका मानसिक विकास अच्छा रहेगा तभी तो आप इन सब क्रियाओं को कर सकेंगे। नेक्स्ट है निम्न विधियों में किसके द्वारा संवेगात्मक ऊर्जा को वांछनीय माध्यम प्रदान किए जाते हैं? तो वह होता है विरेचन के द्वारा। नेक्स्ट है सीखने में प्रगति की दर घट जाती है और एक ऐसी सीमा पहुंच जाती है जिसके आगे जाना असंभव प्रतीत होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे पठार कहेंगे या कठिन दौर। सीखने पठार होता क्या है दोस्तों, कि सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं होती है, दिखाई देती, कुछ समय के लिए रुकी हुई दिखाई पड़ती है, और वक्र की रेखा नीचे या ऊपर जाने की बजाय सीधे चलने लगती है और एकदम सपाट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं पठार। यानी कि न घटती है न बढ़ती है,
एकदम रुक जाती है, उसे हम कहते हैं पठार। जो वक्र रेखा बनता है वह न ऊपर जाती है न नीचे, सीधे ऐसे एकदम समतल हो जाती है पठार जैसा, इसलिए उसको पठार बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि सीखने में प्रगति की दर घट जाती है, जबकि पठार में न घटता है न बढ़ता है, एकदम रुक जाती है और एक ऐसी सीमा पहुंच जाती है जिसके आगे जाना असंभव प्रतीत होता है, तो इसे कहते हैं कठिन दौर। यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसा कि दोस्तों सीखने के वक्र के प्रकार तीन होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और मिश्रित वक्र। ऋणात्मक में क्या होता है कि आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में मंद होती है, यानी कि सीखने की परिस्थितियां जहां कार्य आसान और पहले से अनुभव हो उस कार्य का, उस प्रकार के वक्र बनते हैं ऋणात्मक में। पहले तीव्र होती है, आप जानते रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मंद हो जाएगी। धनात्मक में क्या होता है कि पहले आरंभ में सीखने की गति जो है मंद होती है और बाद में तीव्र होती है, इसमें आप पहले से जानते नहीं रहते हैं, धीरे धीरे सीखने वाले व्यक्ति की सीखने की प्रगति जो है वो बढ़ती जाती है, इसमें अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा वृद्धि होती है। तीसरा होता है सीखने का वक्र मिश्रित वक्र, इसमें क्या होता है, इसको टाइप सी वक्र या यस वक्र भी कहते हैं। टाइप सी लेकिन टाइप सी सी जैसा होता है बट देखने में यस जैसा होता है, इसलिए यस वक्र भी बोलते हैं। मिश्रित वक्र में क्या होता है कि वक्र प्रारंभ में सीखने वाले व्यक्ति के स्वभाव, सीखे जाने वाले की क्रिया और सीखने संबंधी वातावरण की प्रकृति पर आधारित होती है, या इसमें घटता बढ़ता किसी भी प्रकार की शक्ल ले सकता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, इसको मिश्रित वक्र कहते हैं। और लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जिसमें पठार कहते हैं। सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं होती है, होती दिखाई देती, कुछ समय के लिए रुकी हुई दिखाई देती है, यानी वक्र की रेखा जो होती है नीचे या ऊपर न जाने की बजाय सीधे चलने लगती है एकदम सपाट। तो इस प्रकार आपने जाना। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण आधारित चिकित्सा, किसने विकसित किया, तो इसको किया है सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की विधियों का विवरण है, तो मूल्य निर्धारण पैमाना, अंतर्विच्छायन निरीक्षण, पेपर और पेंसिल टेस्ट, ये सभी जो है व्यक्तित्व मापन की विधियों का अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एरास सूचित करता है, तो जो एरास है जीवन की मूल प्रवृत्तियों को सूचित करता है। नेक्स्ट है फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार आंतरिकृत पिता कौन है। आंतरिकृत पिता या नैतिक मन आए यह होता है सुपर ईगो यानी परा अहम यानी सब कॉन्शियस माइंड। इन्होंने मन की तीन अवस्थाओं को बताया है, इड, ईगो और सुपर ईगो, यानी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस लेवल। सुपर ईगो परा अहम जो है सब कॉन्शियस लेवल होता है। नेक्स्ट है उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में कौन सी भाषा सर्वाधिक सहायक है, तो दोस्तों राष्ट्रभाषा ही आपको सर्वाधिक सहायक हो सकती है। मातृभाषा, कौन सी भाषा, मातृभाषा। उत्तम शिक्षा बालक को सर्वप्रथम आप उसके मातृभाषा से देंगे, वो ज्यादा प्रभावकारी होगा। नेक्स्ट है नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को क्यों दोहराया जाता है। दोस्तों यदि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं नवीन पाठ्य, तो पहले पिछले पाठ में देखते हैं कि हमने क्या पढ़ाया, उसमें क्या सीखा आपने, तो उस चीज को रिलेट करते हैं नए वाले पाठ से, तब उसको हम रिलेट करके पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करने के लिए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण कब प्रभावी हो सकता है, तो दोस्तों जब बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए तब वो प्रभावी हो सकता है। पता चला बच्चा क्लास ए वन के लेवल का है, हम पढ़ा रहे हैं क्लास फाइव स्टैंडर्ड के, तो बालक को क्या समझ में आएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बालक की मानसिक स्तर क्या है, उसके अनुरूप हम उसको शिक्षा देंगे। नेक्स्ट प्रभावी और सफल शिक्षण के लिए क्या अधिकाधिक आवश्यक है, तो दोस्तों प्रभावी या सफल शिक्षण के लिए
व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करेंगे। जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक आया, उससे रिलेटेड करके हम जो उसके बच्चे के सामान्य जीवन में जो घटित होती हैं उससे चीजों को रिलेट करके हम एग्जाम्पल दे करके उसको रिलेट करेंगे, तो उसको एक चित्र उसके मन में एक ग्राफ बन जाएगा और जल्दी उसको समझ में आएगा। नेक्स्ट है, बालक के किस विकास में शारीरिक शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? तो शारीरिक शिक्षा जो है बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से यानी सर्वांगीण विकास करता है। यहाँ पे सर्वांगीण विकास अगर राइट होगा। नेक्स्ट है, आपकी शिक्षा किस परिणाम में सफल है? तो दोस्तों आत्मसंतोष, ऐसी जो शिक्षा आपको अपने आप में संतोष न प्रदान करे वो आपके लिए बेकार है। तो आपकी शिक्षा किस परिणाम में सफल है? आत्मसंतोष, आपको अपने आप में संतोष है कि नहीं। नेक्स्ट, अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति होने पर आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे? आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं तो आप किस पर अधिक बल देंगे? तो यहां भी राइट हो जाएगा, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट, उत्तम शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाने में सर्वाधिक सहायक है? तो दोस्तों आत्मनिर्भर, उत्तम शिक्षा आपको आत्मनिर्भर बनाता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, सेल्फ डिपेंड बनाता है। यदि आपकी शिक्षा आपको सेल्फ डिपेंड नहीं बना रही है तो कुछ तो गड़बड़ है, आपने सही से शिक्षा ग्रहण नहीं की, या आप में क्वालिटी नहीं है, या आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, या आप टाइम वेस्ट किए हैं। नेक्स्ट, अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? तो दोस्तों अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में किया गया। अंतराल प्रशिक्षण विधि, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की खोज 1920 में किया था एलिवे बिकिला ने। अब प्रयोग कब किया गया ये अलग क्वेश्चन हो सकता है, तो 20 में तो खोजा गया बट इसका प्रयोग हो सकता है हुआ होगा 1930 में, तो यहाँ 1930 राइट दिया है। तो गर्चर विकिला ने किया था अंतराल प्रशिक्षण इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की खोज, इसको रेस्ट एंड केफर्ड मेथड भी कहा जाता है, और टेरेस प्रशिक्षण भी इसको बोला जाता है अंतराल प्रशिक्षण को। नेक्स्ट, कौन सी प्रशिक्षण विधि प्रायः पुनः शक्ति प्राप्ति, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के लिए प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों यह होता है आपका अंतराल प्रशिक्षण या इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत, रेस्ट एंड केफर्ड का सिद्धांत, टेरेस प्रशिक्षण आदि नामों से इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अभ्यास यानी ट्रेनिंग करते समय, अभ्यास करते समय हार्ट रेट जो है जो ही 180 तक पहुंचती है तुरंत हम क्रिया को रोक देते हैं, और रोकने के बाद पूर्ण रिकवरी नहीं दिया जाता है, अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में। तो 180 तक हार्ट रेट बढ़ते तक हम अभ्यास को रोक देते हैं, और जो ही हमारा हार्ट रेट 120 से 130 40 के बीच आता है फिर पूरा शुरू कर देते हैं। तो प्रयास और पुनः शक्ति यानी कि अनकम्प्लीट रिकवरी देते हैं, रिकवरी पूरा नहीं हो देता है, थोड़ा सा थकावट दूर होता है तुरंत हम पूरा शुरू कर देते हैं, 180 तक जाने पर रोक देते हैं, फिर जो भी हार्ट रेट 20 से 140 के बीच में आता है तुरंत पूरा शुरू कर देते हैं, यानी पूर्ण रूप से थकावट को दूर नहीं करते हैं, तुरंत फिर से चालू कर देते हैं, इसलिए इसको प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है, फॉर्टलेक प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है? तो दोस्तों यह स्वीडन की देश है, देन है। स्वीडिश भाषा में फॉर्टलेक का मतलब होता है स्पीड प्ले, और फॉर्टलेक प्रशिक्षण जो है यह बिना कोई प्रॉपर प्लानिंग के किया जाता है, यह एंड्योरेंस को डेवलप करता है, ये ध्यान में रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा प्रशिक्षण है जो बिना कोई प्लानिंग के किया जाता है, वो होता है फॉर्टलेक प्रशिक्षण, और जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है वो होता है वेरिएबल पेस मेथड। नेक्स्ट है, लेजियम के हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होती है? जैसा कि आपने
लेजियम देखा होगा, बीच में एक लकड़ी का 15 से 18 इंच, यानी कि लेजियम के हैंडल की लंबाई कितनी होती है, लगभग 15 से 18 इंच, कितनी होती है 15 से 18 इंच। तो 15 से 18 इंच का लकड़ी का एक छड़ी जैसा होता है, उसमें लोहे का सिकड़ी जैसा आपका ऐसे ऐसे होता है, जिसको किसी धुन के साथ, साउंड के साथ किया जाता है, और इसका भार 1 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है, लेजियम का भार कितना होता है दोस्तों? तो लेजियम का भार जो है लगभग 1 केजी होता है। नेक्स्ट है, मानक किसी परीक्षण पर प्रतिनिधिक प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का क्या होता है, या माध्य होगा या माध्या, माध्यिका यानी मीड या मीडियन। नेक्स्ट है, निम्न में निम्नांकित मानक में से कौन सा मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? तो वह होता है सतमक गामक। सतमक मानक परीक्षण जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवस्था लेजियम की नहीं है? तो दोस्तों, लेजियम में एक निश्चित स्टेप या एक काउंटिंग होता है, जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार की जो है काउंटिंग, एक प्रकार का धुन होता है। तो इसमें पवित्र, 4 आवाज, पीछे छलांग, ये सभी होता है, बट जानतिक नहीं होता है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी क्रियाशील नहीं होते हैं तो उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना भी आवश्यक नहीं है, यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह किस सिद्धांत है? क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत, क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रशिक्षक ही खिलाड़ी को क्रियाशील सहभागिता के लिए तैयार करेगा, यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह भी है आपका क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, खेल एवं खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन स्तर के लिए प्रशिक्षण चक्रों में प्रशिक्षण विभाजित करके दिया जाता है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है दोस्तों? तो यह सिद्धांत कहलाता है चक्रीयता का सिद्धांत, ठीक है, जिसे प्रशिक्षण चक्रों में प्रशिक्षण को विभाजित कर दिया जाता है। तो चक्रीयता के सिद्धांत में ट्रेनिंग साइकिल जो है वो 3 प्रकार की है, माइक्रो चक्र, मीजो चक्र और माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र जो है 3 से 12 माह का होता है, जिसे ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं। मीजो चक्र जो है 3 से 6 सप्ताह का होता है, यानी 1 से 1.5 माह का, ये 3 से 6 सप्ताह का होता है, इसको मध्यम चक्र या अवसन चक्र भी बोलते हैं। एंड तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जिसे साप्ताहिक चक्र भी बोलते हैं, ये 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण चक्रीयता को कितने प्रशिक्षण चक्रों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, कौन कौन से? माइक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। नेक्स्ट है, चक्रों का मुख्य उद्देश्य क्रमबद्ध प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साधनों का सही उपयोग करना है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है माइक्रो चक्र, यानी पूरे साल भर का होता है, 3 से 12 माह का। नेक्स्ट है, माइक्रो चक्र का दूसरा नाम है अवधिकालीनता, प्रियोडाइजेशन, जिसके अंतर्गत दोस्तों 3 फेज होते हैं, प्रिपरेटरी पीरियड, कंप्लीशन पीरियड एंड रिकवरी पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए अवधिकालीनता यानी कि प्रियोडाइजेशन का वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये था 50 MCQ क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। हर वीडियो का क्वेश्चन आपका आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपका आपको समझ में आया होगा, जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।